नमस्कार साथियों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में समास के लिए कहा जाता है सम समनम समासः। समास में हम पढ़ेंगे किन किन बातों का ध्यान देंगे या समास में किन किन मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समास का शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, समास में किन शब्दों का उपयोग ज़्यादा होता है, समास का तात्पर्य, साथ ही समास के प्रकार। मुख्य रूप से ये चार बातें हैं समास से संबंधित। तो सबसे पहले है समास किन शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब है निकट, अस का मतलब है बैठना, अर्थात दो या दो से अधिक पद पास पास आकर बैठना ही समास कहलाता है। दूसरी बात, उपयोग होने वाले शब्द समास में किन शब्दों का उपयोग हम ज्यादातर करते हैं। तो मुख्य रूप से चार बातें मैं पॉइंट आउट किया हूँ कर रहा हूँ। तो पहला है समासिक पद, समासिक पद। दूसरा है समास विग्रह, तीसरा है पूर्व पद, चौथा है उत्तर पद। तो समासिक पद का मतलब है दो या दो से अधिक पदों को एक साथ मिलाकर लिखना ही समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह दूसरा है, समास विग्रह। समास विग्रह समासिक पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तीसरा है पूर्व पद, पूर्व पद जो समासिक पद का पहले जो लिखा रहेगा उसको पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद या पहले भी बोल सकते हैं उसको। जैसे इसमें लिखेंगे अपन गंगा जलम, जो ये गंगा है वो पूर्व पद हो जाएगा और जो जलम है वो उत्तर पद हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं समास का तात्पर्य, समास का तात्पर्य संक्षेप, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण संक्षेप देखते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। संक्षेप जैसे उदाहरण है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसका समासिक पद होगा रसोई घर, रसोई घर। ये जो रसोई घर जो शब्द है वही है संक्षेप, यही है समास का तात्पर्य। आगे आते हैं समास के प्रकार। तो समास के मुख्य चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास,
और चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के दो भेद और हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद, पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। इस तरह संस्कृत में कुल छह भेद हो गया, समास के छह भेद है, मुख्य रूप से चार भेद और तत्पुरुष के फिर दो भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। हाँ, तो अब देखते हैं समास का पहला प्रकार अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास का अर्थ बता देता हूँ। अव्यय, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता, आ धन व्यय, व्यय मीन्स खर्च और अ मीन्स नहीं, ना या नहीं, और इसका मीन्स व्यय मीन्स खर्च। जो तीनों लिंग पुरुष विभक्ति आदि में खर्च ना हो उसे ही अव्यय कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान व अव्यय होगा, उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। साथ ही जो उत्तर पद है, उत्तर पद संज्ञा होता है, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग, निपात या अव्यय का उपयोग हुआ रहता है। प्रथम पद में जो उप है, अधि है, यथा, प्रति, निर, निस, सु, ये हमारा उपसर्ग है। तो अव्ययीभाव समास में उपसर्ग ही लगा रहता है पूर्व पद में। जैसे देखते हैं इसका एग्जांपल, उप उपसर्ग लगा रहेगा, अगर किसी पद में उप लगा रहेगा तो हम उसका विग्रह करते समय, उप अव्यय हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी भक्ति, उत्तर पद में षष्ठी भक्ति लिखकर आगे समीपम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल उप गंगम, यहाँ पे जो उप है हमारा अव्यय है और गंगम जो गंगा नदी का गंगम होता है, तो यहाँ पर उप गंगम, तो विभक्ति करते समय जो गंगम है, गंगम का हम षष्ठी विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा गंगया, गंगया षष्ठी विभक्ति में होगा गंगया, और आगे लिख देंगे समीपम, गंगाया समीपम होगा। उसी प्रकार अधि, जब अधि उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद में सप्तमी भक्ति लिखकर आगे इति लिखेंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं, अधि हरि, इसमें अधि है जो उपसर्ग लगा है, तो हमारा जो कह रहा है उत्तर पद में सप्तमी भक्ति लिखकर, तो उत्तर पद हमारा है हरि, तो हरि का सप्तमी भक्ति हो जाएगा हराव, हराव, और आगे इति लिखने बोल रहे हैं तो हराव इति, तो ये इसका विग्रह हो जाएगा, अधिहरी का विग्रह हो जाएगा हराव इति। उसी प्रकार फिर उपसर्ग देखेंगे, यथा, यथा जब उपसर्ग होगा तो विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लिखकर आगे अंतिम क्रम में लिखेंगे। तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति उदाहरण के लिए लिखते हैं यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो इसका बन जाएगा विग्रह बनेगा शक्ति, शक्ति जो है आपका उत्तर पद उसको हम करेंगे द्वितीय विभक्ति में, तो हो जाएगा शक्तिम, ये द्वितीय विभक्ति है शक्ति का, शक्तिम, और आगे क्या लिखेंगे अंतिक्रम में, अंतिक्रम में, इस तरह है इसका विग्रह होगा यथा शक्ति का शक्तिम अंतिक्रम्य। फिर आगे और देखते हैं प्रति, प्रति भी उपसर्ग है, जब प्रति उपसर्ग लगा रहेगा
पद में, तो विग्रह करते समय उत्तर पद को दो बार लिख देंगे, उत्तर पद को दो बार लिखकर आगे प्रति लिखेंगे। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो उत्तर पद को दो बार लिख दो, दिनम दिनम प्रति, विग्रह क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति। यहां देखेंगे उत्तर पद को दो बार, तो दिनम दिनम प्रति, ये हमारा प्रतिदिन का विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार जब उपसर्ग निरनिस हो तो, जब उपसर्ग निरनिस हो तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर आगे अभाव लिखेंगे या लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए पहले से उदाहरण लिख दिया गया है यहाँ पर। तो देखेंगे अभाव का नीर, उदाहरण नहीं दिया है, निर्जलम, निर्जलम, निर्जलम। तो इसमें उत्तर पद का क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति, तो हो जाएगा जलस्य, जल अदस्य, जलस्य, और आगे क्या लिखेंगे, अभावः, अभावः। तो इस तरह निर्जलम का होगा आ जाएगा विग्रह जलस्य अभावः। उसी प्रकार फिर उपसर्ग है हमारा अनु, जब अनुपसर्ग हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद षष्ठी विभक्ति और आगे पश्चात लिख लिया जाता है। अनु उपसर्ग होगा तब, तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, अनु हरि, तो देखेंगे उत्तर पद हमारा हरि है, तो हरि का हमने कर दिया षष्ठी विभक्ति हरे, हरि का षष्ठी विभक्ति हरे, और आगे पश्चात लिखा जाता है, यानी उपसर्ग रहेगा तो आगे हम क्या लिखेंगे, पश्चात, तो लिख दिए हरे पश्चात, तो ये हो गया उसका विग्रह अनुहरी का। उसी प्रकार सुपसर्ग होगा तब विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लिखकर आगे समृद्धि लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए सुमद्रम, सुमद्रम, ये हमारा सु उपसर्ग लगा है मद्रम में, तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा। जो मद्रम है हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, तो मद्राणाम, उत्तर पद षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा, मद्राणाम, और आगे क्या लिख देंगे, समृद्धः। तो इस तरह हमारा इसका विग्रह हुआ मद्राणाम समृद्धः। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।